देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। शासकीय हाई स्कूल छोटा बैरसिया संकुल पर मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गनियारी, मावसा, कांकरवाल, भिलखेड़ी आदि शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए आकर्षक रंगोलियां बनाई गई। समय जगत के लिए बिलखेड़ी जोर से। ये जिस रंगोली बनाने का क्या भावना थी, किस माहौल में इन्होंने ये रंगोली बनाई ताकि इसको देखकर मतदाता जागरूकता जागरूक हों और अपना वोट अधिक से अधिक दें। आपको ये रंगोली बनाने के लिए कैसे प्रेरणा मिली, मतलब किस हिसाब से आपने रंगोली बनाई, क्या सोचकर आपके मन में क्या विचार था कि इस रंगोली से लोग प्रभावित होंगे? लोग बहुत सारे वोट देने नहीं जाते, कहते वोट से क्या होता है, तो फिर हमने कहा कि कुछ ऐसा बनाए जिससे कि सभी प्रेरित हो, इसलिए हमने। तो आपको लगता है कि इस रंगोली को देखकर लोग प्रेरित होंगे वोट देने के लिए? हाँ, संख्या हमारे देश में और वो जरूरी है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतदान हो। अच्छा, मतदान करने का क्या अभिप्राय, किस लिए मतदान करते हैं हम लोग, कुछ बता सकते हैं आप? हम अपने मत सभी को बता सके और अपने मन के जो आप स्वयं चाहते हैं वो प्रतिनिधि चुन सके। अच्छा, जिससे हमें कुछ लाभ हो। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के हाई स्कूल प्राचार्य श्री जगदीश जी देसवाली जी से कि उन्होंने उनके नेतृत्व में यहाँ पर कई बड़े आयोजन यहाँ पर हुए हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली और बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर अधिकतर होते रहते हैं। तो अभी उन्होंने एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक रैली भी गांव में निकाली थी, उसमें भी बहुत लोग शामिल हुए थे। तो जानते हैं सर से कि क्या इस रंगोलियों के माध्यम से क्या यहाँ का उद्देश्य है, कितने लोग इस बार, कितने परसेंट मतदान यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पे जैसे कि हम बैरसिया की बात करूँ या इसके आसपास क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो हमारा लक्ष्य है कि 100% मतदान हो। सर, ये मतदान करवाने की इस बार सरकार ने जो अपनाया है तरीका, किसी भी प्रकार से चाहे रंगोली हो, मेहंदी हो या रैलियाँ हो, तो इससे क्या आपको लगता है कि अधिक से अधिक मतदान होगा? बिल्कुल, इसका फायदा होगा। ये जो जितनी भी गतिविधियाँ चल रही है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देश है, चुनाव आयोग के भी निर्देश है, और इसका लाभ जरूर चुनाव में मिलेगा और मतदान का प्रतिशत इस बार बिल्कुल बढ़ेगा। हेमराज सेन की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।